सो हेलो एवरीवन, अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि मुझे स्पेस शो से कितना ज़्यादा प्यार है। तो एक और ऐसा ही शो आया है जिसका नाम है अवे, जो कि क्या कमाल का शो है। और अगर इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर दूँ, इधर उधर निकल जाऊँ, तो माफ़ ज़रूर कर देना। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अवे का रिव्यू। इसमें इंडिया का भी काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिशमेंट है, तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना करे आपको बोर। तो अवे की कहानी स्पेशली एमा के कैरेक्टर के अराउंड लिखी गई है। एमा जो कि एक माँ है, एमा जो कि एक वाइफ है, साथ ही साथ एक एस्ट्रोनॉट है। अब उसको मार्स मिशन में जाना है 3 साल के लिए अपनी फैमिली से दूर। अब उसको आ रही है इस चीज में प्रॉब्लम, उसका उसके हस्बैंड से कनेक्शन, उसका उसकी डॉटर से कनेक्शन। अगर एमा अब चली जाएगी मार्स में तो उसके मतलब कि तो उसकी डॉटर का कौन ख्याल रखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं जिनको देख के सच में मजा आ जाती है। स्टोरी जितनी सिंपल लग रही है, देखेंगे तो कुछ अलग ही मजा आएगा। चाहे फिर राम का कैरेक्टर हो, जो कि इंडियन वाइफ देने में बिल्कुल पॉसिबल हुआ है, और यहाँ पे इंडिया का भी काफी अच्छा जिक्र हुआ है। चाहे फिर यू का कैरेक्टर हो, जिसने भी काफी अच्छा काम किया है इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में, या फिर हम लोग मैट की बात कर ले, एलिसिस की बात कर ले, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। लिटरली अगर एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सब ने 4 चांद लगाए हैं। 2 बार ऑस्कर जीता है इसका एक्टर, तो फिर अब क्या ही बोलना एक्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में 10 एपिसोड हैं, 50-50 मिनट की रन टाइमिंग है। वेब सीरीज लंबी है बट जल्दी ही निपट जाती है, कब निपट जाती है पता भी नहीं चलता है। अगर हम लोग सॉन्ग्स की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर्स की बात करें, तो मेरी तरफ से सल्यूट है, बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर्स हैं। गाने तो चुम्बेश्वरी हैं, चुम्बेश्वरी हैं। अगर हम लोग आगे बात करें विजुअल्स की, VFX भी बहुत ज़्यादा है वेब सीरीज में, या फिर प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो हर चीज़ अप टू द मार्क है। बहुत ही हैवी विजुअल्स वाला शो है, जहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। लॉस्ट इन स्पेस मेरा पर्सनल फेवरेट शो है, और वैसा ही कुछ ये शो भी है, बट उस लेवल का है कि नहीं, तो उस लेवल का नहीं बट उसके आसपास के लेवल का जरूर है। टू बी ऑनेस्ट, इस शो को काफी हद तक रियलिटी के आसपास रखा गया है, एंड जो लॉस्ट इन स्पेस है उसको रियलिटी से दूर इमेजिनेशन के अराउंड बहुत ज्यादा बिनोया गया है। वही एक्स फैक्टर है लॉस्ट इन स्पेस का। एंड लास्टली बात कर ले डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो डायरेक्शन काफी अच्छा दिया गया है, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है। बट वहीं पे स्टोरी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, वो तो जरूर है, बट प्रिडिक्टेबल स्टोरी होने से कुछ भी नहीं होता है। उसका एग्जीक्यूशन जिस तरीके से हुआ है वो सच में काबिलियत तारीफ है, और देख के तालियां बजाने का मन जरूर करता है। तो इस वेब सीरीज को जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अवे। धन्यवाद।